अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में एक न्यू गिग बनाना सिखाऊंगा जिसका काम आजकल बहुत ज़्यादा है, और वो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर की एक गिग है। तो सबसे पहले आपने, अगर तो आपका फाइवर अकाउंट बना हुआ है, गिग एक दो चल रही हैं पहले, तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर नहीं बना हुआ तो आप मेरी फाइवर के रिलेटेड जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वो देखें, अपनी प्रोफाइल बनाएं, उसके बाद आप गिग बनाएं। सबसे पहले आपने क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करना है। अच्छा, गिग बनाने के जो मराहिल हैं वो हमारे पास 6 हैं। सबसे पहले ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी एंड पब्लिश। ठीक है, गिग टाइटल सबसे मेन चीज़, गिग टाइटल है इसमें, ओवरव्यू पेज में गिग टाइटल और टैग्स। ठीक है, गिग टाइटल आपने कैसे रखना है, अभी आप फाइंड सर्विसेज पे जाएं और इधर सर्च करें शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, अब देखें शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर के कीवर्ड से हमारे पास 25,279 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, 7 फिगर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, तो कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं, 7,534। मीन हर साइट से डिफरेंट सर्विसेज और कितने लोग इस सर्विस पर काम कर रहे हैं वो नज़र आएंगे आपको। तो अभी आपने देखें कि काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, हम इसको ही ओपन करते हैं, साथ इसको ओपन कर लेते हैं, साथ इसको ओपन कर लेते हैं। अभी आपने क्या करना है, इन तीनों के टाइटल चेक करने हैं। इन्होंने टाइटल क्या रखा हुआ है, बिल्ड 7 फिगर शॉपिफाई वेबसाइट, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर। तो इनके आप ऑर्डर भी देख सकते हैं, 11 ऑर्डर इन क्यों हैं। ठीक है, और बेसिक पैकेज आप इनका देखिए, $145 है, स्टैंडर्ड है 185, प्रीमियम है $250। यानी मिनिमम भी इनके पास अभी जो ऑर्डर क्यू में लगे हुए हैं, मिनिमम भी लगे हुए हैं $1,000+ के ऑर्डर इनके क्यू में लगे हुए हैं। इनके देखते हैं अभी, इनके 5 ऑर्डर इन क्यों हैं, और इनके आप पैकेजेस भी देख सकते हैं, और जबकि इनके आप देख सकते हैं 38 ऑर्डर इन क्यों हैं, और टाइटल इनका भी आप देखिए क्या है। और आपने जो टाइटल अपना गिग का रखना है ना, वो इनसे हिंट लें पहले, सेम कॉपी ना करें, बेहतर है अपना कोई अच्छा सा टाइटल बना के रखें, जिससे आपकी गिग भी रैंक हो और आपको फ़ायदा भी हो। अब देखें बिल्ड 7 फिगर इसमें भी है, बिल्ड 7 फिगर इसमें भी है, और इन्होंने क्या लिखा हुआ है, डिज़ाइन 7 फिगर, इन थोड़ा सा चेंज कर लिया है। आपने डिज़ाइन 7 फिगर रखना तो भी ठीक है, बिल्ड 7 फिगर रखना तो भी ठीक है। तो आई विल तक तो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, लेकिन बिल्ड 7 फिगर आगे देखते हैं। शॉपिफाई वेबसाइट, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर और वेबसाइट, यानी उन्होंने पहले शॉपिफाई वेबसाइट लिखा हुआ था और बाद में शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर लिखा हुआ था। इन्होंने पहले क्या लिख दिया, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर और बाद में शॉपिफाई वेबसाइट। थर्ड नंबर पे इन्होंने क्या लिखा जी, शॉपिफाई वेबसाइट और शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, यानी तकरीबन चेंज है। मीन चेंज इसलिए है कि आगे पीछे क्यों है, वैसे टाइटल तकरीबन सेम है इनके। बिल्ड 7 फिगर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग
स्टोर और वन प्रोडक्ट स्टोर। ठीक है, उसके बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी आपकी इसमें क्या है, प्रोग्रामिंग एंड टेक। कैटेगरी इसमें कौन सी है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट आप कर रहे हैं बिल्कुल, यानी ये वाली। उसके बाद सर्विस टाइप, आप क्या करेंगे इनमें से, फुल वेबसाइट क्रिएशन। अभी गिग मेटा डाटा, मेटा डाटा में प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म मीन आप कौन से प्लेटफॉर्म पर आप ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, तो हम क्या चूज करेंगे, शॉपिफाई, क्योंकि हम गिग कौन सी बना रहे हैं, शॉपिफाई की। उसके बाद सपोर्टेड प्लगइन, मीन कौन कौन सी ऐप्स हैं या प्लगइन्स हैं जो हम शॉपिफाई स्टोर बनाते हुए यूज़ करेंगे। सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग, एनालिटिक्स, चैट, एफएक्यूज, गैलरी, पेमेंट, सोशल मीडिया, वीडियो, फॉर्म, मार्केटिंग। इसके अलावा भी और भी काफ़ी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सर्च टैग्स, सर्च टैग्स से मतलब ये है सर्च टैग का। अब ये देखें सर्च टैग्स, टैग्स किधर से सर्च करने हैं, इधर से आपने शॉपिफाई जस्ट लिखें तो आपको देखें क्या क्या रिकमेंडेशन देता है। सेवन फिगर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, शॉपिफाई, शॉपिफाई वेबसाइट, शॉपिफाई बिल्ड, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, शॉपिफाई एक्सपर्ट। ठीक है, हम शॉपिफाई वेबसाइट देखते हैं इसमें क्या आता है। सात हज़ार नौ सौ अट्ठावन सर्विसेज अवेलेबल हैं इस सर्च पे। ठीक है, यानी आपने टैग इधर से ढूंढ के रखने हैं। अभी मैं क्या रखूँगा, एक सबसे पहले हम रखते हैं शॉपिफाई, दूसरे नंबर पे आप क्या रख लें, शॉपिफाई वेबसाइट, तीसरे नंबर पे आप क्या रखें जी, शॉपिफाई स्टोर, फोर्थ नंबर पर आप रखें शॉपिफाई स्टोर डिजाइन। और जैसा कि हमने टाइटल में लिखा हुआ है वन प्रोडक्ट स्टोर, तो आप ये भी रखें। इसको आप चेक कर दें और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। अभी सेकंड स्टेप क्या है, प्राइसिंग। प्राइसिंग आप ये पैकेजेस आप देख रहे हैं, तीन पैकेजेस हैं, आप एक भी रख सकते हैं। यानी एक पैकेज में आप, लेट्स सपोज पैकेज ही एक दे रहे हैं कि मैं आपको $100 में कंप्लीट वेबसाइट विद प्रोडक्ट्स विद चैट ऐप, उसके बाद करेंसी कन्वर्टर ऐप्स, मीन जो जो भी नेसेसरी ऐप प्लगइन्स है वो आप करके देंगे एक अच्छे थीम के साथ। अगर आपने तीन पैकेजेस रखने हैं तो भी आपकी मर्जी है। सबसे पहले बेसिक पैकेज, बेसिक, उसके बाद क्या जी, स्टैंडर्ड, उसके बाद प्रीमियम। बेसिक में आप क्या देंगे, हिंट लेते हैं हम भी जाके फिर इधर से। देखें इसके 42 ऑर्डर्स इन क्यों हैं और इनकी आप पैकेजेस देखें। बेसिक पैकेज में वो क्या दे रहे हैं, फ्री शॉपिफाई थीम, यानी जो आपका वो स्टोर बनाएंगे फ्री थीम पे बनाएंगे, 5 ट्रेंडी प्रोडक्ट्स डालेंगे, न्यूज़ लेटर, वन लेटर, वन प्लगइन नीच वगैरह। ठीक है, आपने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपने इधर डाल दिया अपने बेसिक पैकेज में। अभी क्या करना है, इसको आपने चेंज करना है। ठीक है, फ्री शॉपिफाई थीम पे आप बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पर शॉपिफाई स्टोर, इसको आप रिमूव कर दें, 5 की जगह आप 15 करें, 15 ट्रेंडी प्रोडक्ट्स,
ठीक है, उसके बाद आप न्यूज़ लेटर भी डालेंगे, ये भी ठीक है। वन की जगह आप फोर लगाएं, क्योंकि अभी आप न्यू हैं तो आपको मार्केट से कंपीट करना है। फोर प्लगइन्स, नीच नीच मीन प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में ये क्या दे रहे हैं ये भी देखते हैं अभी जाके। प्रो डिज़ाइन, ठीक है, प्रोफेशनल डिज़ाइन है। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर को आप रिमूव कर दें, या अल्टीमेटली हमारे गिग टाइटल में मेंशन है। 15 की जगह आप 30 करें, 30 टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स प्लस 3 प्लगइन्स, 3 की जगह आप 6 करें प्लस 2 वीक सपोर्ट प्लस, आप एक और चीज़ भी इधर ऐड कर सकते हैं, लोगो, ठीक है। अब प्रीमियम में वो देखते हैं वो क्या दे रहा है। प्रीमियम डिज़ाइन है, 30 हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, तो हम क्या करते हैं प्रीमियम डिज़ाइन, ठीक है, 30 की जगह आप क्या करें जी 50 करें ऐड, 50 हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स। 5 प्लगइन्स, 5 की जगह आप 10 करें, टेन प्लगइन्स, प्लस लाइव चैट, प्लस रिव्यूज, प्लस शॉपिफाई एसईओ, प्लस ईमेल को आप ख़त्म कर दें, लोगो, प्रो टिप्स, ठीक है, 10 प्लगइन्स, उसके बाद डिलीवरी टाइम है। बहुत ही आसान है शॉपिफाई स्टोर बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैक्सिमम 2 डेज़, ठीक है, बेसिक के लिए, स्टैंडर्ड के लिए 3 डेज़ और प्रीमियम के लिए 5 डेज़ कर लें। नंबर ऑफ़ पेजेस देखिए, बेसिक पैकेजेस में वो नंबर ऑफ़ पेजेस कितने दे रहे हैं, 3, 4, 5। हम क्या करेंगे बेसिक में ही 3, 6 और 10। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपने बेसिक में 15 लिखी है तो आप 15 इधर लिखें, इसमें आप 30 लिख रहे हैं तो आप इधर 30 ऐड करें, लास्ट में आप 50 करें तो 50 ऐड करें। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन आपको वो तीनों में करनी पड़ेगी, बेशक वो फ्री थीम है या प्रीमियम है, रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए, ये भी आपको तीनों में करना पड़ेगा, कंटेंट अपलोड भी करना पड़ेगा। उसके बाद प्लगइन्स, आपने प्लगइन्स कितने कितने लिखे हैं, 4, 6 और 10, उसके हिसाब से आप इधर भी करें, 4, 6 और 10। रिव्यू आप कितनी देना चाह रहे हैं देखें, बाकियों ने कितनी दी हुई हैं, अनलिमिटेड अनलिमिटेड। बेहतर यह है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए आप भी अनलिमिटेड ही रखें तो बेहतर है। उसके बाद आ गई प्राइसेस, प्राइसेस आप बेसिक मार्केट में देखें कि मार्केट में प्राइसेस बेसिक कितनी है, 165, 155, $40 भी हैं, ठीक है, 60, हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, $20 वाले भी हैं, $10 वाले भी होंगे, $5 वाले भी होंगे, ठीक है। सब जो ये पैसे ले रहे हैं अपने काम के ले रहे हैं, तो बेस्ट मेरा ख्याल है 30, 60 एंड 100, ये बेस्ट है। उसके बाद आ गया ये ऐड एक्स्ट्रा फीचर्स, मीन अगर वो कहता है कि मैंने ये बेसिक पैकेज जो आप $30 में और 2 डे डिलीवरी में दे रहे हैं, मैं 1 डे में करवाना चाहता हूँ, तो आप 1 डे करके उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले सकते हैं। ऐसे प्रीमियम के भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसको सेव कर दें। उसके बाद आ गई डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यूज। अभी इसके आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, मे बी ये यूएसए सर्टिफाइड हो, सब कुछ हो, लेकिन आपने वो लिखना है जो आपको पता है, ठीक है। इधर से आप हिंट लें, आइडिया लें, और अपनी डिस्क्रिप्शन भी लिखें। लेट्स मैं देखें, ये ने मैंने ये ऐड की है। अभी ये आप रिमूव कर दें। उसके बाद है आई बॉट माई सिंगल फैमिली होम एज ए यंग एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट, आई कैन हेल्प यू कंप्लीट योर ड्रीम, ठीक है। डू यू नो मोर देन 95% ऑफ शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टोर फेल ड्यू टू इजी अवॉइडेबल मिस्टेक्स। ये सारी आपने डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, जहाँ से भी आपने लेनी है उसको सारी रीड करना है। रीड करने के बाद एडिट करना है, एडिट करने के बाद फिर आपने सेट करना है। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करेंगे तो फाइवर आपकी एक रिमूव भी कर देगी। उसके बाद आप इसकी भी डिस्क्रिप्शन चेक करें। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें आप ग्रामर वगैरह ठीक करें। इसकी भी आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। मीन अगर आप खुद लिख नहीं ना सकते, कम से कम आप फिर सब की ना थोड़ी थोड़ी कॉपी करके एडिट कर लें, ठीक है। इसको आप सेव करें। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में यानी कस्टमर से आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है। शॉपिफाई स्टोर यूआरएल और डोमेन नेम, ईमेल, पासवर्ड, निच, ये चीज़ें आपने कस्टमर से लेनी है।
नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मीन अगर कोई कस्टमर 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करवाना चाहता है तो आप उसके लिए कस्टम ऑफर भी क्रिएट कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। लास्ट गिग इमेज, गिग इमेज कोई भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तो वो भी आप इजीली बना सकते हैं। कैनवा एक टूल है जिस पे आप इजीली गिग इमेज बना सकते हैं। तो गिग इमेज अच्छी सी बनानी है ताकि लोग आपको या आपकी गिग पे आने पे मजबूर हो जाएं, आपको मैसेज करने पे मजबूर हो जाएं। ऐसी गिग बनानी है अच्छी सी। 7 figure शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर और 1 product स्टोर। इसका बैकग्राउंड हम चेंज करते हैं, उसके अलावा इसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद सिंपल आप इधर लगा दें। सेव एंड कंटिन्यू। लास्ट पे आपने सिर्फ आप पब्लिश करना है। देखो आप पब्लिश कर दें। डन। अभी ये मेरी जो मैंने गिग बनाई है पब्लिश हो चुकी है। इंशाल्लाह आप भी इसे आइडिया लेके अपनी गिग बनाएं शॉपिफाई की और काम स्टार्ट करें। ओके जी, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।